देश की दो बड़ी एयरलाइंस कंपनियों इंडिगो और गो एयर ने अपनी 65 फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है। ये कदम DGCA के उस फैसले के बाद उठाया गया जिसमें फॉल्टी इंजन वाले A320neo एयरक्राफ्ट की उड़ानों पर रोक लगा दी गई थी। देखिए ये रिपोर्ट। देश के तमाम एयरपोर्ट्स पर सैकड़ों पैसेंजर्स परेशान घूम रहे हैं। वजह है 65 फ्लाइट्स का रद्द होना। इंडिगो और गो एयर ने अपनी 65 फ्लाइट्स रद्द कर दी। रद्द होने वाली फ्लाइट्स में इंडिगो की 47 और गो एयर की 18 फ्लाइट्स शामिल हैं। दरअसल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA ने प्रैट एंड विटनी इंजन वाले A320neo एयरक्राफ्ट्स की उड़ान पर पूरी तरह से रोक लगा दी। इन A320neo एयरक्राफ्ट्स में प्रैट एंड विटनी का इंजन लगा है। PW1100 इंजन में पिछले कई दिनों से खराबी की शिकायतें आ रही थी जिस वजह से कई बड़े हादसे होते होते बचे। इन शिकायतों के बाद DGCA ने PW1100 के एक भी इंजन वाले एयरक्राफ्ट की उड़ानों पर रोक लगा दी। पिछले दिनों इंडिगो की लखनऊ से अहमदाबाद जा रही फ्लाइट का इंजन उड़ान के दौरान फेल हो गया था जिस वजह से फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। पहले भी कई बार उड़ान के दौरान हवा में इंजन के बंद हो जाने से इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। मई 2016 से नवंबर 2017 के बीच इंडिगो अपने 32 A320neo एयरक्राफ्ट के इंजन 69 बार बदल चुका है। पिछले महीने भी DGCA ने इंडिगो के 3 एयरक्राफ्ट की उड़ान पर रोक लगा दी थी जिसके दोनों ही इंजन खराब थे, लेकिन अब DGCA ने एक खराब इंजन वाले एयरक्राफ्ट पर भी रोक लगा दी है। आकांक्षा ठाकुर, Go News.